झालावाड़ नगर परिषद क्षेत्र के हल्दीघाटी इलाके में सरकारी भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण को प्रशासनिक टीम ने पुलिस की मौजूदगी में हटाया। इस दौरान दो पक्के मकान और करीब आधा दर्जन से अधिक निर्माणाधीन कार्यों को ध्वस्त किया गया। झालावाड़ SDM मोहम्मद जुनैद और सहायक पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला JCB मशीन और डंपर के साथ हल्दीघाटी क्षेत्र में पहुंचा, जहां सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए दो पक्के मकानों को JCB मशीनों की मदद से ध्वस्त किया गया, जिसके बाद करीब आधा दर्जन निर्माणाधीन कार्यों को भी तोड़ दिया गया। हालांकि होली त्योहार के ठीक एक दिन पहले अपना आशियाना टूटता देख लोगों में मातम पसर गया और महिलाएं बिलखती नजर आई। उपखंड अधिकारी मोहम्मद जुनैद ने बताया है कि अतिक्रमियों द्वारा सरकारी भूमि पर ही लंबे समय से निर्माण कर मकान बनाए गए थे। इन्हें पूर्व में अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया, लेकिन इनकी हठधर्मिता के बाद प्रशासनिक अमले को कार्यवाही करनी पड़ी। अपने झालावाड़ सिटी के अंदर बहुत सारे अवैध इलीगल स्ट्रक्चर हैं। आज हमने जो कार्यवाही किया है वो बिल्कुल जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो राजस्व विभाग के जमीन के अंदर अवैध रूप से जो इलीगल मकान बनाया था, दुकान बनाया था, तो बहुत सारे नोटिस भी हमने दे दिया पहले और उसके ऊपर आज कार्यवाही किया है। आगे भी ये कार्यवाही बिल्कुल चलते ही रहेगा सिटी के।